आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। शासन से अनुमति प्राप्त करके अपने विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ आया और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक लेके और पूरे क्षेत्र के विषय में जानकारी लिया कि कहीं राशन गल्ला कहीं कोई कमी तो नहीं, किसी के पास कोई भूख से पीड़ित तो नहीं है, ऐसा कोई जगह तो नहीं है, ऐसी कोई बस्ती तो नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला तो नहीं है, ऐसा कोई गाँव तो नहीं है जहाँ पर राशन और गल्ला सरकार के द्वारा जो 3 महीने का दिया गया है वो वितरित ना हुआ हो। पेयजल की समस्या तो नहीं आ रही क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है जी। तो हर परिस्थिति में और अस्पतालों में क्या व्यवस्था है नहीं है और अपने यहाँ पे कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं मिला, हर विषय पे बिंदुवार मैंने आज SDM से और TI और अधिकारियों से बात की यहाँ पर और ईश्वर की कृपा है, माँ शारदा देवी का आशीर्वाद है कि हमारे संपूर्ण कटनी जिले में अभी तक कोई भी इस प्रकार का मरीज सामने नहीं आया है और आज महाअष्टमी का दिन है। देवी माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि यथाशीघ्र कोरोना के संकट से ना केवल हमारे को बल्कि संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व को इससे निजात दिलाएं, ये जल्दी से जल्दी ये संक्रमण खत्म हो, कोरोना खत्म हो और लोग अपने सामान्य जीवन पे लौटें। मैं अपने क्षेत्र के सभी साथियों से, नागरिकों से, मित्रों से, छोटे भाइयों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से यह निवेदन करता हूँ, पुत्रवत होकर निवेदन करता हूँ, भाई होकर, मित्र होकर, परिवार का सदस्य होकर निवेदन करता हूँ कि आज जो सरकार लगातार बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं, शिवराज जी बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अपने घरों पर रहें। ये सरकार के लिए नहीं करना है, ये अपने परिवार के लिए करना है। आप अगर अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते, जीवन से प्यार करते तो आपसे आग्रह है कि अपने घर के अंदर रहें क्योंकि कोरोना ही एक ऐसी बीमारी अभी तक सामने आई जिसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही इलाज है कि घरों के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखें। हम आपका घर से बाहर निकलना, पता नहीं कौन सी गाड़ी क्रॉस हो रही है, किसकी आवो हवा में आ जाए। भैया आप लगातार बाहर से लोग फंसे हैं, उनको लाने के प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या बोलेंगे आप? देखिए अभी 2-3 दिन पहले तक तो सब तरफ से पूरे भारत के चारों कोने से लोगों को लाने का मैंने प्रयास किया और आए भी लोग, लेकिन परसों के बाद से जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अब बोल दिया कि अब पूर्ण रूप से लोगों का आवागमन पर रोक लगाई जाए तब से परसों से इस पर रोक लग गई है। लेकिन अभी तक मैंने करीब 700-800 से ऊपर लोग जो विजयवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाहर थे उनको ले आया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी फंसे हुए हैं जी। या हम ये कहें फंसे नहीं, रुके हुए हैं, अपने जहाँ काम करने गए थे। अब मैं निरंतर लगातार हर राज्यों की सरकारों से संपर्क में हूँ, मेरी विजयवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सहित कटनी जिले के जो लोग भी जहाँ हैं उनके रुकने, रहने, खाने और दवाई का सारा इंतजाम हो रहा है। कहीं से अगर आप पत्रकार साथियों को भी ये जानकारी मिलती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मुझे जरूर संज्ञान में डालेंगे, मैं उनका भी इंतजाम करूंगा। सब कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं उन लोगों की जो बाहर पड़े हुए हैं, उनको आप लोग यहाँ से कैसे मदद? देखिए दोनों प्रकार की व्यवस्था है, सबसे पहले तो सरकार के द्वारा व्यवस्था है, केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों से आग्रह किया और हर राज्य की सरकारें चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सब मिलकर इसमें सहयोग कर रही हैं। राज्य सरकारों से संपर्क करता हूँ, देश भर के बहुत सारे ऐसे जन नेता हैं जिनसे मेरे संपर्क हैं, संबंध हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक अन्य राज्यों के जिनसे मित्रता है और व्यापारिक सहयोगी साथी भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर हमारे व्यक्तिगत संपर्क संबंध भी ना हो। जहाँ राज्य सरकार से हो जाता है राज्य सरकार से करते हैं, जहाँ व्यापारियों के माध्यम से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से हो सकता है, जो जिसके यहाँ काम करने गए उसके मालिकों से बात करके आग्रह करके सभी जगह व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखा हो मैंने। अगर आपको कहीं से मिलता है जानकारी तो जरूर बताइएगा। भैया पत्रकारों के लिए अभी तक किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ आपने ये सोचा है, पत्रकारों को आपने ये आज वितरण किया है, इसके बारे में आपको कैसा, दिल में कैसा लगा कि आपको पत्रकारों को ये सब वितरण करना चाहिए और उनको सुरक्षित करना चाहिए? देखिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता जागरूकता की, भारत का चौथा स्तंभ खबर पालिका यानी पत्रकारिता, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी अपने कैमरे और माइक लेके और सब जगह घर घर घूम रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं, अंदर रहने का आग्रह कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया के लोग भी,
और मीडिया के लोग जब हर जगह जा रहे हैं तो ये हमारे लिए आज सबसे बड़ी ताकत है मीडिया कि मीडिया हमारे अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा कर रहा है सुरक्षित रहने की, घरों में रहने की, इसका उपचार क्या हो सकता है, हर एक चीज़ को हमको मार्गदर्शिका के रूप में कार्य कर रहा है आज मीडिया। और मीडिया के साथियों के विषय में मेरे को ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि मीडिया का अगर कोई आदमी संक्रमित हो जाएगा तो फिर कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि इनमें आपस में फैले, तो जो एक जानकारी फैल रही है, जो एक जागरूकता है, जो मीडिया का सकारात्मक रुख है कोरोना से लड़ाई के खिलाफ भारत की, ये रुख में कहीं ब्रेक ना लगे, तो हमारे पत्रकार साथी अगर सुरक्षित रहेंगे तो वो समाज को, देश को नई दिशा देते रहेंगे। इसलिए मैंने बोला कि मीडिया के साथियों के लिए भी जरूर सोचना चाहिए, इसलिए मैंने उनके लिए किया। धन्यवाद धन्यवाद।